हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कि अभी आज है 14, मैं निकाली 14, तो आज के दिन मेरे गार्डन में जो जो फ्लावर्स खिले हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा वीडियो शेयर करूंगी। तो आप देखिए, सबसे पहले तो मेरा हिबिस्कस देखिए, तो ये सेडेड हिबिस्कस है और इसका फ्लावर्स खिला हुआ है और बहुत ही सुंदर है। देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर्स खिला हुआ है। तो ऐसे त्योहारों के मौसम में, त्योहारों के समय में अगर फूल हमें अपने ही गार्डन से मिल जाता है तो यही हमारी मेहनत है जो हमें समय समय पे अपना काम आता है। तो फ्लावर्स ढेर सारे खिले हैं जो कि हमें अपने गार्डन से ही प्राप्त हो जाएगा, हमें बाहर से लाने की इतनी आवश्यकता नहीं। साथ में देखिए, ये जो मेरा मैरीगोल्ड का फ्लावर्स है ये भी बहुत सारा खिला हुआ है, ढेर सारा देखिए ये। और ये मैंने ग्रेप्स वाइन के गमले में लगा के रखा है 3 पौधा, क्योंकि ज़्यादा मैंने इसी में ही लगा लिया था, क्योंकि मैं एक ही गमले में बहुत सारे प्लांट लगा दो चार तो रहता ही है, इसकी वजह से मैंने इसमें लगा के रखा था फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे गेंदे के फ्लावर्स भी खिले हैं, तो आप देख सकते हैं। देखिए 3 पौधा है लेकिन कितने खूबसूरत फ्लावर्स और कितने ज़्यादा खिले हैं। साथ में देखिए, ये मेरी सिंगल जो चांदनी है वो मैंने इसका वीडियो आपसे शेयर किया था, जो मैंने प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, उसके बाद इसमें लॉट ऑफ फ्लावर्स आ रहे हैं, बहुत सारे फ्लावर्स खिल रहे हैं। ये आप देखिए, इसके फ्लावर्स कितने सारे आ रहे हैं। तो ये भी मेरा हमेशा इसके फ्लावर्स भी खिलते रहते हैं मेरे गार्डन में। तो आप देखिए कि कितने सारे फ्लावर्स खिले हैं जो हमेशा इसी तरह खिलते रहते हैं और हमें कहीं और से फ्लावर्स लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर समय काम आता है, हमारे गार्डन के ही फ्लावर्स काम आ जाते हैं। और वो भी देखिए, रंग बिरंगी तरह तरह के फ्लावर्स हैं हमारे गार्डन में, जो हमें हमेशा, क्योंकि हम उसके पीछे मेहनत भी करते हैं तो हमारे जो पौधे हैं वो हर समय हमें इसी तरह फ्लावर से तो फ्लावर, फ्रूट तो फ्रूट और वेजी से तो वेजी सो हमें देते ही रहते हैं। एक्सोरा तो आपको पता है कि एक्सोरा का फ्लावर्स जो है वो जल्दी ख़त्म नहीं होता है, इसके फ्लावर्स भी काफ़ी समय तक बना रहता है। तो एक्सोरा तो मेरा हमेशा देखिए आप, ये भी कुछ में कुछ आ रहे हैं, कुछ हो चुके हैं, तो इसी तरह खिलते रहते हैं। और ये देखिए, ये रेड है हिबिस्कस, लेकिन इसका कंडीशन आप देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे ये सूख ही रहा है, क्योंकि एक बार पत्ते झड़ने के बाद उसमें आए तो हैं लेकिन पता नहीं, बस इसका यही कंडीशन है, ठीक से इसकी ग्रोथ ही नहीं होती है, समझ में नहीं आता कि इसको क्या करें। कितना कुछ करने के बाद हम इसको खाद देते हैं और समय से पानी देते हैं और फिर भी इसकी ग्रोथ इतनी जल्दी और इतनी अच्छे से नहीं हो रही है। मेरा यही प्लांट एक ऐसा है जिसमें ग्रोथ बहुत ही कम हो रहा है और ऐसे हल्का हल्का सा ऐसे लग रहा है कि मरमर के हो रहा है। तो देखिए अभी क्या करता है। और फ्रेंड देखिए, ये रोज़ भी मेरे गार्डन में खिला हुआ है, ये देखिए, और ये भी बहुत ही सुंदर हैं और इसी तरह के ये भी बहुत दिन तक इसके फ्लावर्स खिले रहते हैं। ये जल्दी से ख़राब नहीं होता है, एक दिन में 2 दिन में ख़राब नहीं होता है, ये कम से कम 5-6 दिन तक इसके फ्लावर्स ऐसे ही बने रहते हैं खिलने के बाद। तो ये भी मेरा रोज़ बहुत ही खूबसूरती के साथ साथ बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये देसी नहीं है फ्रेंड्स, ये हाइब्रिड है, ये देखिए। और इसकी स्मेल नहीं है, इसमें कोई भी स्मेल नहीं आती है। जब आप ज़्यादातर इसको इसी तरह करने के बाद ही थोड़ा बहुत स्मेल आता है, बाकी इसमें नहीं है इतना, लेकिन फ्लावर्स बहुत ही सुंदर हैं, क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो रोज़ की जो खुशबू है वो जो देसी वाला रोज़ रहता है उसी में खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और ये देखिए, कुछ खिल रहे हैं, कुछ ख़राब हो चुका है, तो इसी तरह रोज़ भी मेरे गार्डन में खिले हुए